टॉप 4 बेस्ट पावरफुल ऑलराउंडर स्मार्टफोन्स अंडर 14,000 रुपीस। जी हाँ दोस्तों, अगर लिए परफेक्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लेकर आ चुका हूँ ऐसे 4 स्मार्टफोन जहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले मिलेगी, बेहतरीन कैमराज होंगे, लंबी चलने वाली बैटरी, साथ ही साथ अच्छी परफॉर्मेंस और 5G का सपोर्ट। तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। ये दोस्तों शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ वीवो की तरफ से वीवो का T3X 5G। बात करें इस फोन की तो दोस्तों ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है। हालांकि पिछले वीवो T2X के मुकाबले में आपको यहाँ पर डिजाइन थोड़ा सा और बेटर देखने को मिल जाएगा। साथ ही 8mm की थिकनेस और 199 ग्राम के साथ में आता है तो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा है। और हाँ, आपको यहाँ पर IP64 की रेटिंग मिल जाएगी तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिलती है और फोन का लुक भी काफी कमाल का है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल जहाँ पर आपको पैंडा ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर काफी अच्छी दी गई और अच्छी बात यह है कि वीवो T2X के मुकाबले में आपको यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती जो कि और भी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है और साथ ही में आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात कर ले तो फ्रंट में आपको दिया गया है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है। रही बात यहाँ पर आउटपुट की तो डे लाइट में फोटोज काफी अच्छी आती हैं। फोटोज में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको नाइट मोड का सपोर्ट भी दिया गया है। वैसे इसके अलावा भी काफी सारे डिफरेंट मोड्स दिए गए तो ये अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैक कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30fps जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि आपको यहाँ पर कोई OS जैसे फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन अगर आप 1080p पर रिकॉर्ड करते हैं तो आपको यहाँ पर EIS का फीचर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम वीवो T2X से कंपेयर करें तो आपको यहाँ पर स्लाइटली बेटर इमेजेस देखने को मिल जाती है तो ये अच्छी बात है। तो चलिए अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 4nm स्नैपड्रैगन 6th Gen 1 का चिपसेट। और दोस्तों ये इस प्राइस पॉइंट के अंदर आने वाला है काफी कमाल का चिपसेट है। ये औंधतु पर लगभग 5,60,000 के आसपास स्कोर कर जाता है जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छे स्कोर हैं। साथ ही आपको यहाँ पर एड्रेनो 710 का GPU देखने को मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पर BGMI जैसे गेम्स खेलते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको HD ग्राफिक्स पर हाई क्वालिटी की गेमिंग कराने में कैपेबल है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको मिल जाता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको 6000mAh का बड़ा सा बैटरा देखने को मिलने वाला है। और हाँ भाई, वीवो की तरफ से काफी बड़ी बात है। साथ ही साथ ये फोन 44 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। तो 15,000 रुपए के अंदर देखेंगे तो ये भी काफी अच्छी बात है। और हाँ, आपको यहाँ पर बैकअप भी काफी अच्छा मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक दिया गया। और हाँ, आपको यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं डॉल्बी एटमॉस के साथ में। तो ऑडियो क्वालिटी भी यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है। कार्ड ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर यूजर इंटरफेस की तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया एंड्रॉइड 14 बेस्ड फन टच OS 14 पर। यहाँ पर थोड़े मोड़े ब्लॉटर्स वगैरह भी रहते हैं लेकिन आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। रही बात 5G बैंड्स की तो ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है तो इसमें भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और रही बात अपडेट्स की तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 15 का अपडेट देखने को मिल जाएगा और पॉसिबली आपको यहाँ पर 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलने वाले हैं। रही बात यहाँ पर प्राइसिंग की दोस्तों, तो 4 और 128 के लिए आपको देने होंगे 13,499 रुपए, बट बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 12,499 रुपए कीमत पर। और प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की। और यहाँ पर हमने रखा हुआ है रियलमी की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च रियलमी का 12X। बात करें फोन की तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलने वाला है। हालांकि दोस्तों डिजाइन और लुक आपको रियलमी 12 सीरीज की तरह ही देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाले। साथ ही साथ फोन 7.9mm की थिकनेस और 190 ग्राम के साथ में आता है तो काफी लाइट वेट और काफी स्लिम है तो ये काफी अच्छी बात है। और इन सभी के अलावा IP54 की रेटिंग दी गई है तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई भी इशू देखने को नहीं मिलते। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल
जहाँ पर आपको 800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ, गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टेस्ट सैम्पलिंग रेट भी मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के अंदर आपको अच्छी दी गई है। अब बात करते हैं फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि सैमसंग का S5K JN1 वाला सेंसर है, और यहाँ पर आपको F1.8 का अपर्चर मिलता है। इन सभी के अलावा 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप देखा जाए तो फोन का यहाँ पर ठीक है। रही बात इमेज आउटपुट की, तो डे लाइट में तो आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। रही बात लो लाइट की, तो प्राइस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट इमेजेस देखने को मिल जाती है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट, और दोस्तों यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है आम वाली G57 MC2 का 2 कोर का GPU। अच्छी बात यह है दोस्तों कि यह स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 418,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, और देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर ये एक अच्छे स्कोर है। तो डेली परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। और हाँ, आपको यहाँ पर LPDDR4 की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई भी खास दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी और 45 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। सो ओवरऑल देखा जाए तो बैटरी मॉड्यूल भी फोन का यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, लेकिन आपको यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहें तो एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च किया गया है, जहाँ पर आपको मिलता है One UI का 5.0। और साथ ही साथ यहाँ पर रियलमी ने यह भी प्रॉमिस किया कि आपको 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सो देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन सभी 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है, यहाँ पर भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 11,999 रुपए। बट दोस्तों, आपको यहाँ पर ICICI, HDFC और SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 1000 रुपए तक का ऑफ मिल रहा है, तो इफेक्टिवली अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन को 11,000 रुपए की कीमत पर परचेस कर सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ पर ज्यादा रैम चाहिए तो आप स्मार्टफोन के 6 और 128 वाले वेरियंट को भी देख सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा 13,499 रुपए की कीमत पर। बट दोस्तों, अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक अच्छा खासा ऑलराउंडर पैकेज ढूंढ रहे हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं सैमसंग का गैलेक्सी M34 5G। फोन पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कि प्लास्टिक की बैक आपको मिलेगी। बट ओवरऑल यहां पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी दी गई है, और साथ ही 8.8 मिलीमीटर की थिकनेस और 208 ग्राम के साथ में आता है, क्योंकि फोन के अंदर आपको यहां पर बड़ी बैटरी भी दी गई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहां पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले, साथ ही आपको यहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, वाइट वाइन L1 का सपोर्ट दिया गया है, और रही बात गेमिंग की, तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिलती है। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको बहुत अच्छी दी गई है, हालांकि वाटर ड्रॉप नॉच की जगह पर यहां पर पंच होल होता तो और ज्यादा कमाल हो जाता। चलिए फिर आगे बढ़ते और बात करते हैं अब यहां पर फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहां पर 3 कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है, और यहां पर आपको OIS का फीचर भी दिया गया है। साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस लगा हुआ है, 2 मेगापिक्सल का आपको यहां पर एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। रही बात इमेज क्वालिटी की, तो इमेज क्वालिटी में आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आने वाली, काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया, तो आपको यहां पर इमेज आउटपुट काफी अच्छे मिलते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहां पर 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30 FPS। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का F2.0 वाला सेंसर, जो कि आपको यहां पर डिसेंट क्वालिटी की आउटपुट निकाल कर दे देता है। और रही बात वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट कैमरा से आप यहां पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30 FPS। सो ओवरऑल कैमरा के मामले में ये फोन काफी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहां पर फोन के प्रोसेसर की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 5nm बेस 1280 का चिपसेट, और यहां पर आपको दिया गया आम वाली G68 का GPU, जो कि आपको यहां पर डिसेंट लेवल की गेमिंग कराने वाला है। जी हां दोस्तों, आप यहां पर मीडियम लेवल की ही गेमिंग कर सकेंगे। साथ ही साथ आपको यहां पर लगभग 460,000 के आसपास अंततः स्कोर मिल जाते हैं। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4 XC रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा डिसेंट देखने को मिलेगा। रही बात यहाँ पर स्मार्टफोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरा दिया गया है। साथ ही ये फोन 25 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट प्रॉब्लम यह है कि आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर कोई एडेप्टर नहीं दिया गया है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाएगी। सो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल तो अच्छा है, लेकिन एडेप्टर होता तो और अच्छी बात होती।
तो चलिए बात करते हैं कुछ अदर फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 13 पर, तो ये अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर आपको 4 साल के मेजर अपडेट्स देखने को मिलने वाले और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी फोन काफी अच्छा रहने वाला है। वहीं पर बात करें 5G बैंड्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 12 प्लस 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफी कमाल की बात है। और अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो दोस्तों 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए इस समय आपको दे रहे होंगे 13,999 रुपए, बट अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हैं तो ये फोन इजीली आपको 13,000 रुपए कीमत पर मिल जाएगा। और प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डेफिनेटली काफी तगड़ा कैमरा फोन है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरह देख सकते। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो काफी अच्छा ऑप्शन है, और ये फोन है यहाँ पर मोटरोला का G64 5G। बात करें इस फोन की, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बेल्ट पर मिल जाता है। बेल्ट क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर काफी अच्छे दिए गए। साथ ही साथ ये फोन 8.9 mm की थिकनेस और 192 grams के साथ में आता है, सो देखा जाए तो ज्यादा मोटा भी नहीं है और ज्यादा बल्कि भी नहीं है, तो इन हैंड फीलिंग में फोन काफी अच्छा रहता है। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, यानी कि आपको यहाँ पर IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर फोन की अच्छी है, आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आएगी। अब बात करते हैं फोन की डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, जहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है, सो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिलती है। सो देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी दी गई है, जैसा कि हमें मोटो के G54 में देखने को मिल जाती है, तो डिस्प्ले क्वालिटी में आपको यहाँ पर कहीं कोई इशू देखने को नहीं मिलते। चलिए बात करते हैं फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको दो कैमरास देखने को मिल जाते हैं। मेन कैमरा लगा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में आपको यहाँ पर OIS जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इन सभी के अलावा 8 मेगापिक्सल का आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाएगा, जो कि आपको डेप्थ और मैक्रो फोटो खींचने में भी काफी मदद करता है। सो देखा जाए तो यहाँ पर आपको लगभग एक कंप्लीट सेटअप देखने को मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है, डे लाइट में फोटोज वगैरह भी अच्छी निकल कर आती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नाइट मोड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30 fps। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के चिपसेट की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस MediaTek Dimensity 7025 का चिपसेट, जिसे अगर हम कंपेयर करें मोटो G54 से, तो यहाँ पर आपको लगभग सेम परफॉर्मेंस ही निकाल कर देता है। यहाँ पर यह स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। सो मीडियम लेवल की गेमिंग आप यहाँ पर इजिली कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। वैसे यहाँ पर आपको LPDDR4 की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है, जो कि 30W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है, तो नॉर्मल यूजिंग पर आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है, और आपको यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी ट्यूनिंग आपको मिल जाएगी डॉल्बी एटमॉस की तरफ से। और यहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी दोस्तों डेफिनेटली बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, सो आप यहाँ पर एक साथ में एक 5G सिम या फिर एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च किया गया है, जहाँ पर आपको मिलता है मोटोरोला का MyUX का सपोर्ट, लेकिन इस बार आपको थोड़े से डॉटपेड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, हालांकि आप उन्हें अनइंस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 15 का अपडेट बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको 3 साल के और भी सिक्योरिटी पैचेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी काफी अच्छी बात है। सो ओवरऑल देखेंगे तो ये कंप्लीट पैकेज है मोटोरोला की तरफ से, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, सो दोस्तों 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 14,999 रुपए, बट अभी आपको यहाँ पर कुछ बैंक ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें अप्लाई करके ये फोन इफेक्टिवली आप 14,000 रुपए कीमत पर परचेस कर सकते हैं। सो आप चाहें सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा।